शरणार्थी परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी का पाठ 2 सोना छोड़ो सोना पाओ। बच्चों इस पाठ में सोने का मतलब है आलस्य, आलस्य छोड़ो और सुफल पाओ। मेहनत करेंगे तो हमें फल मिलेगा, इसलिए आलस्य को त्यागो और मेहनत का फल पाओ। तो बच्चों आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेखिका परिचय, तो चलिए पढ़ते हैं। पूर्व भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स गीता जोशी का जन्म 2 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने 800 मीटर और 1500 मीटर की दौड़ स्पर्धाओं में कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किए। जोशी ने बैंकॉक में 1978 में एशियाई खेलों में महिलाओं की 800 मीटर की दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और 1982 में 800 मीटर के लिए 1978 और 1982 दोनों में 1500 मीटर के लिए रजत पदक जीते। इन्हीं उपलब्धियों के लिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका से 17 साल बाद वे जुलाई 2002 में भारत लौटी और भारतीय जूनियर एथलेटिक्स टीम 800 मीटर और 1500 मीटर की कोच के रूप में पदभार इन्होंने संभाला। तो चलिए बच्चों हम पढ़ेंगे आज गीता जोशी ने एक पत्र लिखा अपने देश के भाई बहनों को, तो वो इस पत्र में क्या लिखती है वो हम पढ़ेंगे। वो लिखती है, मेरे प्यारे भाई बहनों, समय बीतते देर नहीं लगती। देखो कल और आज में कितना अंतर आ गया है। कल तक मैं आपकी तरह दूसरे खिलाड़ियों की चिट्ठियां पढ़ती थी, आज मैं आपको चिट्ठी लिख रही हूँ। क्या पता कल आपसे आप में से भी कोई इतना बड़ा खिलाड़ी बन जाए कि मुझे फिर उसकी चिट्ठी पढ़नी पड़े। तो वो एक चिट्ठी लिख रही है अपने देश के भाई बहनों को कि मैं आज खिलाड़ी बनने के बाद में तुम्हें चिट्ठी लिख रही हूँ और क्या पता कल भी तुम कोई बड़े खिलाड़ी बन जाओ और तुम भी ऐसी चिट्ठियां लिखो जो मुझे पढ़नी पड़े। तो समय की एक विशेषता और भी है, आप जो आज है वह कल नहीं होंगे, उसमें एक दिन का अनुभव जुड़ जाएगा। पिछले वर्ष आप जिस कक्षा में थे आज उससे आगे की कक्षा में चले गए हैं, कल उससे आगे की कक्षा में चले जाएंगे। आप आगे बढ़े या न बढ़े समय आगे बढ़ता जाएगा। तो बच्चों समय तो आगे बढ़ेगा ही, चाहे आप कुछ करो या ना करो, इसलिए हमें निरंतर आलस्य को छोड़ना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। कल उससे आगे की कक्षा में चले जाएंगे, आप आगे बढ़े या न बढ़े समय आगे बढ़ता जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं समय शब्द पर बहुत जोर दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि हाँ, मैं दौड़ में हिस्सा लेती हूँ। लोग दौड़ भाग में हिस्सा लेते हैं, वे जानते हैं कि एक सेकंड का भी कितना महत्व होता है। तो एक सेकंड का अंतर किसी को भी कहाँ और किसी को भी कहाँ पहुंचा देता है। लगता है आप मेरी बात समझ गए होंगे कि लोग सबसे ज्यादा उसी चीज को नष्ट करते हैं जो सबसे ज्यादा अमूल्य है। मेरा मतलब है समय से, कि समय सबसे अमूल्य है, इसकी मूल्यवान है, इसलिए हमें समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। ये सब बातें मैं इसलिए लिख रही हूँ, आपको पत्र में इसलिए लिख रही है कि क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूँ। पहली बात तो यह है कि आप किसी भी खेल में हिस्सा लें बिना मेहनत उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। यदि हार जीत की बात, हारना कोई बुरी बात नहीं, हाँ, लेकिन हिम्मत हारना बहुत बुरी बात है। अब बच्चों हार जीत तो चलती रहती है, किसी भी कोई भी गेम खेलो, या तो आप हारेंगे या आप जीतेंगे, लेकिन हार जीत से कभी भी हमें नहीं डरना चाहिए। लेकिन
हिम्मत हारना, अगर जो इंसान हिम्मत हार जाता है वो सबसे बुरी बात है। अब आप शायद ये जानना चाहते होंगे कि मैंने एथलेटिक्स को ही क्यों चुना, किसी और खेल को क्यों नहीं लिया। पहली बात तो यह कि मेरे पिता स्वयं बैडमिंटन एथलेटिक्स में हिस्सा लिया करते थे। कुछ संस्कार, कुछ संयोग, स्टेडियम हमारे घर के बिल्कुल पीछे था। स्कूल से लौटने के बाद मैं स्टेडियम चली जाती और सभी तरह के खेलों में हिस्सा लेती। वो क्या लिखती है कि वो उनके पास में स्टेडियम था और उनके पिता भी बैडमिंटन और एथलेटिक्स में हिस्सा लिया करते थे। अब वो कहती है, और हाँ यह बताना तो मैं भूल ही गई कि मेरा जन्म 2 दिसंबर 1956 को हुआ। हम लोग भाग्य और भगवान पर बड़ा भरोसा करते हैं। हनुमान जी के भक्त हैं। गुरुग्राम के कॉन्वेंट स्कूल, सनातन धर्म स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने शिक्षा प्राप्त की है। मैं दौड़ने में जरूर तेज थी पर पढ़ाई में नहीं, बस किसी तरह परीक्षा में पास हो जाती। तो वो क्या लिखती है, वो अपना जन्म बताती है कि मैं 2 दिसंबर 1956 को हुई थी और उन्हें भगवान पर और भाग्य पर सबसे ज्यादा भरोसा था। और उनको हनुमान, वो भी हनुमान जी के भक्त थे, पर वो स्कूल तो जाती लेकिन उनको पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो दौड़ भाग में ही ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन वो परीक्षा में तो फिर भी पास होती थी। तो वो आगे अपने पत्र में और क्या लिखती है, वो लिखती है कि पहले तो हमारे स्कूल में कोई प्रशिक्षक नहीं था। प्रशिक्षक किसको कहते हैं, ट्रेनर, जो सिखाने वाला। तो ट्रेनर प्रशिक्षक नहीं था। सर 1972 में निर्मल सिंह नाम के प्रशिक्षक आए। उन्होंने मुझे 800 मीटर और 1500 मीटर पर ही ध्यान केंद्रित करने को कहा। मेरे पिताजी श्री अयोध्यानाथ जुत्सी ने भी पग पग पर मेरा उत्साह बढ़ाया। उसी वर्ष कोटायम में हुई अंतरराज्य एथलेटिक प्रतियोगिता में मुझे रजत पद प्राप्त हो गया। तब से मैं एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ती गई। कुछ समय बाद हमारे प्रशिक्षक की बदली हो गई, बदली मतलब ट्रांसफर हो गया, तो उससे वो बहुत परेशान हो उठी। वो कहती है खुद से ही कि बिन गुरु ज्ञान कैसे मिलता। तो सन 1975 में मैंने श्री राम सिंह जी से निवेदन किया कि वह मेरे प्रशिक्षक बन जाए। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली और तब से लेकर अब तक वो मेरे प्रशिक्षक हैं। वह मुझसे अक्सर कहते हैं कि एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए दिन रात परिश्रम करना पड़ता है। वही बात आज मैं आपसे कहती हूँ कि सोने का पदक प्राप्त करने के लिए सोने का सुख छोड़ना पड़ता है। जिस समय मैं सुबह दिल्ली गुरुग्राम सड़क पर अभ्यास कर रही होती हूँ, उस समय बहुत से लोग सुख की नींद सो रहे होते हैं। तो जो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, तो वो इसलिए सोती भी नहीं थी बहुत कम और दिन रात वो परिश्रम करती थी। तो वही बात वो आज आपसे कहना चाहती है कि सोने का पदक प्राप्त करने के लिए सोने का सुख छोड़ना पड़ता है। जिस समय मैं सुबह दिल्ली गुरुग्राम सड़क पर अभ्यास कर रही होती हूँ, उस समय बहुत से लोग सुख की नींद सो रहे होते हैं। मैं सदियों में सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक अभ्यास करती हूँ। शाम को 4 से 5 बजे के बीच नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में दौड़ती हूँ। अब वो क्या कहती है कि जब सुबह के समय सब सो रहे होते हैं तो वो सुबह 4 बजे से 4:30 से 6:30 तक वो अभ्यास करती है और फिर शाम को 4 से 5 बजे तक वो उसमें नेशनल स्टेडियम में दौड़ती है। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है। गीता जुत्सी जो कि 23 साल की लड़की है, उनका वजन 50 किलो और कद 5 फुट 5 इंच की युवती है। वह
पोशाक पहनकर अंधेरे में अभ्यास कैसे करती होगी? क्या उसे डर नहीं लगता? तो सुनो, डरने से काम नहीं चलता। शुरू शुरू में पिताजी साइकिल पर सवार होकर मेरे साथ जाते थे और अब मेरे बड़े भाई राजनाथ मेरे साथ जाते हैं। कभी-कभी छोटी बहन को भी साथ ले जाती हूँ। कभी अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ। लगभग उसी समय मेरे प्रांत के सैकड़ों वाले भाई साइकिलों पर सवार होकर दूध बेचने निकलते हैं। जब वो सुबह सुबह घूमने जाती है दौड़ के लिए, तो कभी पिताजी को लेकर जाती है, कभी बड़े भाई को लेकर जाती है, तो कभी बड़ी बहन को लेकर जाती है। और फिर बाद में तो जब अकेलापन से महसूस नहीं होने लगा, तो लगभग उसी समय मेरे प्रांत के सैकड़ों वाले मतलब सैकड़ों वाले भाई साइकिल पर सवार होकर दूध बेचने जाते थे। कितना अच्छा दृश्य होता है, हर कोई मुझे जानता है। लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं, यही गीता 800 मीटर की एशियाई चैंपियन है। वो सोचती है कि कितना अच्छा होता अगर मुझे लोग जानते और गर्व से कहते कि ये जो वही गीता है जो एशियाई चैंपियन रही। यह तो आप जानते ही होंगे कि सन 1978 में बैंकॉक में हुई एशियाई खेलों में ही मुझे 800 मीटर में स्वर्ण और 1500 मीटर में रजत पद प्राप्त हुआ। तब से गुरुग्राम का बच्चा बच्चा मेरे नाम से परिचित हो गया। छुट्टी के दिन छोटे छोटे बच्चे मुझे घेर कर तरह तरह के सवाल करते हैं। मैं सबसे यही कहती कि मेहनत का फल मीठा होता है। तब वो जब घर पे रहती या छुट्टी का दिन होता तो उसे सारे बच्चे आसपास के घेर लेते, तो उन्हें वो समझाती कि हमेशा मेहनत करनी चाहिए क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। कुछ समय पहले मैं उत्तर रेलवे के दफ्तर में काम करती थी। मुझे रोज सुबह गुरुग्राम से नई दिल्ली आना पड़ता था। यह स्थान मेरे घर से लगभग 28 किलोमीटर दूर था। दफ्तर के बाद सीधे नेशनल स्टेडियम जाती, शाम को फिर गुरुग्राम लौटना पड़ता। तो उसका घर दफ्तर से 28 किलोमीटर दूर था और वो दफ्तर से जैसे ही फ्री होती तो वो नेशनल स्टेडियम जाती और फिर वो शाम को गुरुग्राम लौटती। फिर एक दिन कहती हूँ कि एक दिन की बात है, मुझे थोड़ी देर हो गई। जिस बस से रोज जाती थी वह निकल गई। दूसरी बस को उसने हाथ दिया तो वह नहीं रुकी। बस फिर क्या था, मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगी कि भारत में एशियाई चैंपियन की यह हालत, हमसे तो क्रिकेट वाले ही अच्छे हैं, दूसरे देशों में एथलीटों की जय होती है, हमारे यहाँ क्रिकेट वालों की, वहाँ मामूली से खिलाड़ी को भी बड़ी से बड़ी नौकरी मिलती है, यहाँ एशियाई खेलों में सोने का पदक जीतने पर भी मामूली सी नौकरी मिलती है। मैं आज क्या हूँ, उत्तर रेलवे में हेड क्लर्क। वो खुद से ये सब बातें कहती है। फिर वो कहती कि बस बेकार इतनी जान लगी की, मतलब कि बेकार नहीं, उसने इतनी मेहनत की कि वो उसे कोई जानता ही नहीं है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, अपनी तो तकदीर थी। वो ऐसा कहकर रुक गई। इतने में एक और बस वाला ने हॉर्न सुनाई दिया, मतलब उसको एक बस वाला आया, उसने हॉर्न बजाया, फिर उसने सुना तो बस का कंडक्टर नीचे उतरा, उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और इज्जत के साथ बस में बिठाया। मैंने टिकट के पैसे निकालकर उसकी ओर बढ़ाए, उसने पैसे निकाले और टिकट की ओर उसने टिकट के लिए उसने पैसे दिए, तो उसने मेरी ओर हस्ताक्षर करने वाली नोटबुक यानी कि ऑटोग्राफ बुक बढ़ा दी। मैंने कहा मुझे दिल्ली का एक टिकट चाहिए। जवाब मिला आप यहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए, पैसे वसूल हो जाएंगे। मतलब उसकी उसने पैसे नहीं लिए, उसने उसका ऑटोग्राफ देना चाहा। तो फिर बस में बैठे अधिकांश यात्रियों ने मुझे घेर लिया। फिर एथलेटिक्स पर चर्चा होने लगी। मेरा चैंपियन का भाव फिर से प्रबल हो उठा। वो एक बार तो हिम्मत हार गई थी कि ऐसा भारतीय देशों में तो ऐसा होता है कि एथलेटिक्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है
और यहाँ पे क्रिकेट को। तो वो इस सोच के वो हिम्मत हारने लगी, लेकिन जब दोबारा दूसरा बस वाला आया, उसने हॉर्न बजाया तो वो बस में बैठी और टिकट के लिए पैसे उसने देने लगी, तो उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप तो ऑटोग्राफ दे दीजिए और उस पे ऑटोग्राफ दे दीजिए, मेरे टिकट के पैसे वसूल हो जाएंगे। फिर वो क्या उसको क्या था कि वो तो फिर उसका भाव प्रबल हो उठा, वो बहुत प्रबल हो गई खुशी के मारे। कुछ ही दिनों बाद हरियाणा खेलकूद विभाग से एक बड़ी नौकरी का प्रस्ताव आया। मोतीलाल नेहरू खेल संस्थान यानी कि राइ में उप निदेशक डिप्टी डायरेक्टर का पद उसे प्राप्त हो गया। 23 साल की उम्र में डिप्टी कलेक्टर, जी हाँ यह सब एथलेटिक्स का प्रताप है। मेरा हौसला और बढ़ गया, मैं अपनी तैयारी में और जुट गई। फिर वो आगे उसे जब बड़ी नौकरी मिली तो वो आगे की तैयारी में और जुट गई। मैं समय का हमेशा ध्यान रखती हूँ, समय पर सोना, समय पर जागना, समय पर मैदान में पहुंचना। परिवार में अक्सर कई छोटे मोटे समारोह होते रहते हैं, मुझे किस समय कहाँ होना चाहिए यह बात मैं और मेरे परिवार के सदस्य सभी जानते हैं। वे जानते हैं कि किसी भी खिलाड़ी को अपने फासले में एक सेकंड का सुधार करने के लिए महीनों की तपस्या उन्हें करनी पड़ती है। फिर वो आगे लिखी, वो कहती है कि एथलेटिक के लिए कम से कम 6 घंटे सोना जरूरी होता है, पर मुझे तो इतना समय भी नहीं मिलता कि वो 6 घंटे सो सके, पर मुझे जो मिल गया उसका सुख सोने के सुख से कहीं ज्यादा है। अच्छा तो मेरे अभ्यास का समय हो गया है, चिट्ठी यहीं समाप्त करती हूँ। आपको शायद पढ़ना हो पर मुझे तो दौड़ना ही है, यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है। ये सब लिखकर वो चिट्ठी लिखना बंद कर देती है और चिट्ठी को समाप्त करती है और लास्ट में क्या लिखती है, तुम्हारी दीदी गीता ज्योति। तो बच्चों ये उसने अपने देश के भाई बहनों को ये पत्र लिखा, उसने अपने बारे में उसने बताया किस तरह से वो एक एथलेटिक्स में उन्होंने स्वर्ण पदक और रजत पद प्राप्त किए, वो इस बारे में वो बताती है। फिर वो एक बार तो हिम्मत तोड़ देती है कि इस तरह का एथलेटिक्स में बाहर के लोगों को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है जबकि यहाँ पे हमारे देश में क्रिकेट को ज्यादा। तो ये सब चीज देख के वो एक बार के लिए उदास हो जाती है, लेकिन जब दोबारा से कोई बस वाला आता है दूसरा, तो वो जब ऑटोग्राफ मांगता है तो वो बहुत खुश हो जाती है और वो फिर उसके बारे में वो आगे लिखती है कि हमें कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए, एथलेटिक के लिए कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए, लेकिन उसके पास में तो इतना भी समय नहीं मिलता कि वो 6 घंटे सो सके। लेकिन वो फिर दूसरे बच्चों के लिए कहती है कि शायद आपको तो पढ़ना होगा लेकिन मुझे तो आगे दौड़ना ही है, और ये लिखकर वो अपना पत्र समाप्त करती है और कहती है कि मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। तो बच्चों ये थी गीता ज्योति का पत्र, अब आगे पढ़ेंगे शब्दार्थ। अमूल्य कीमती, जो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा समय के लिए कि समय बहुत मूल्यवान है। संस्कार यानी कि मनोवृत्ति स्वभाव आदि का परिष्कार। संयोग यानी इत्तेफाक। प्रशिक्षक सिखाने वाला। रजत चांदी। समारोह उत्सव आदि का आयोजन या धूमधाम फंक्शन। तो बच्चों ये था आज का पाठ, आगे हम पढ़ेंगे अगले पाठ में अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।